बलता से काम करेगी। क्या मुद्दे रहेंगे जो प्रमुख रहेंगे? देखिए दोनों मुद्दे विकास और सुरक्षा के मुद्दे हैं। योगी जी के पास दो बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर विकास करने के लिए, संपूर्णता में विकास करने के लिए, और वो एक दूसरा बुलडोजर विनाश का, जो अपराधियों का विनाश करेगा। विपक्ष कह रहा है कि लगातार की गुंडाई की जा रही है। ऐसा है, गुंडाई तो वो करते थे जो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है, वो अपराध पर जीत कर आती थी, इसलिए बुलडोजर ने अपराध कम किया। आम नागरिक कहने लगा कि योगी सरकार में विकास हुआ तो हुआ, गुंडे खत्म हो गए। सर आपको रिपीट किया गया, दोबारा बधाई आपको, और कैसे आगे काम बढ़ाएंगे? नहीं, प्रदेश की महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद स्वरूपी जो आशीर्वाद है हमें दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और जो विषय अभी अछूते रहे, जिन विषयों पर काम नहीं हो पाया, उन विषयों को आगे रखकर इस प्रदेश की महान जनता के सुख दर्द को, दुख दर्द में खड़ा होकर मजबूती प्रदान करेंगे। और सारे विषयों पर, चाहे बिजली का विषय हो, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर हम लोग प्रभावी रूप से काम कर किया है सरकार ने, और आगे करेंगे। वीपी जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद है। सर बड़ी जीत है, बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे चुनौतियों को निपटाएंगे? देखिए हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि आज माननीय योगी जी ने अपने टीम में अवसर दिया है, पार्टी नेतृत्व ने आज मुझे इस लायक समझा कि योगी जी के टीम में मैं मंत्री के रूप में काम करूंगा। और योगी जी का जो सपना है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन हो, उसमें हम लोग की जो भी भूमिका होगी उसकी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे। प्रमुख मुद्दा है पूर्वांचल से आप आ रहे हैं, पूर्वांचल में कैसे मजबूत करेंगे? देखिए ये सही है कि मेरा जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़ा मैंने पूर्वांचल में आता है, और पूर्वांचल भी उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो सबसे पिछड़ा इलाका कोई है तो पूर्वांचल है। उसमें हम चाहेंगे कि पूर्वांचल का विकास तेज गति से हो, वहाँ के लोगों को जो भी जो समस्या है उसकी त्वरित रूप से उसका समाधान हो। कैमरा गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रविंद्र जायसवाल जी मंत्री बनाए गए फिर से। रविंद्र जी, फिर आप पर भरोसा जताया गया है? बिल्कुल, पार्टी के नेतृत्व ने हम सबको अलग अलग काम देखते हैं, उन्होंने पुनः दिया है, उसको अच्छे से निभाया जाएगा। बनारस में जनता ने लगातार आपको स्नेह भी दिया और आपके काम का इनाम भी। नहीं, ये ईमान नहीं है, यह हमारा कोई इनाम नहीं है, हम सब सेवा करने के निकले हुए हैं, और सेवा में जो भी और भी गति प्रदान करके पूरा किया जाएगा उसको। रविंद्र जायसवाल जी पहले भी मंत्री रहे, उनको फिर मंत्री बनाया गया है, वो स्वतंत्र प्रभार पर ही है, लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। दयाशंकर जी हमारे साथ हैं, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैसे काम करेंगे सरकार में इस बार? देखिए हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में पार्टी नेतृत्व ने और योगी जी ने अवसर दिया है काम करने के लिए, और हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो भी योगी जी काम देंगे उस पे अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे। आपने संगठन में भी खूब जम के काम किया, कई साल काम किया, सरकार में अब मौका मिला है, कैसे आप देख रहे हैं कि दूसरा कार्यकाल कैसा चलेगा सरकार का? देखिए दूसरा जो कार्यकाल होगा योगी जी का, जो पिछले कार्यकाल में बहुत सारे उन्होंने काम शुरू किए थे, जो अब इस सरकार में बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट होगा, जैसे वो इन्वेस्टर मीट उन्होंने कराया था, बहुत सारे कल कारखाने खुलने वाले थे, इसमें खुलेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक देश में जो अर्थव्यवस्था पर 9वें नंबर पर था, योगी जी ने उसको दूसरे नंबर पर लाए, अब जो है योगी जी अपने इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को भारत में नंबर वन करेंगे। औसत आए कैबिनेट की कही जाए, युवाओं को बहुत मौका मिला है, युवाओं को बहुत मौका दिया इस बार। देखिए युवाओं को मिल रहा है, अपने जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके अनुभवों का भी इसमें समावेश है, समाज के हर वर्ग के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, बहुत अच्छी टीम माननीय योगी जी ने बनाया। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। धर्मपाल जी आपको फिर मौका दिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा अवसर दिया और इस ये अवसर को एक चुनौती के रूप में रहकर काम करने का काम करूंगा। योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, विकास और सुरक्षा, मैं उसमें सहयोग करने का काम करूंगा। काफी बड़ा मंत्रालय था पिछली बार आपके पास। ऐसा है, जो भी सरकार में जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जिम्मेदारी कोई बड़ी और छोटी नहीं होती है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है,
हम जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम करेंगे और आपके भारत समाचार को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल सिंह जी जो दूसरी बार मंत्री बने हैं योगी सरकार में, इस बार वो फिर उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसको ईमानदारी से निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज दूसरा कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, महिलाओं को एक अच्छा प्रतिनिधित्व इस बार सरकार में मिला है। मैडम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, आपको मौका मिला है सरकार में, आप कैसे काम करेंगी, महिलाओं के लिए क्या आवाज उठाएंगे? महिलाओं के लिए सुरक्षा की पहली व्यवस्था, महिलाओं के रोजगार की पहली व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार की पहली व्यवस्था, इस सारे में महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का हमारा सतत प्रयास रहेगा और महिलाओं का व्यापार करा के उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम भी करेंगे और महिलाओं का कहीं कोई शोषण करेगा तो हमारा एकदम फैंस क्लब महिलाओं का है, तो जाकर सबको समझाने का काम करेगा और किसी के घर तोड़ने की बात नहीं होगी, जोड़ने की बात होगी। जो वायदे किए थे संकल्प पत्र के, आप उसके मुताबिक सरकार में जो जिम्मेवारी मिलेगी बहुत काम करना पड़ेगा इस बार? नहीं नहीं, हम लोग का काम करने का एक नया जज्बा है, एक नया उल्लास है और हर्ष है और काम करना चाहते हैं। ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे लोग क्षेत्रवासियों की जीत है, उन्होंने वोट दिया है इसलिए उनके काम करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। एजेंडा रहेगा, अभी तो गए नहीं है।